नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पेट 2022 का टॉपिक औसत पढ़ने वाले हैं। औसत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए टॉपिक है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन मैथ में भी आएगा और जो हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे उसमें भी औसत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 5-6 क्वेश्चन आपके औसत से बनने हैं। तो औसत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि यह आपके उस एग्जाम में 4 से 5 नंबर या 6 नंबर गेन करने में पक्का मदद करने वाला है। तो औसत को हम लोग एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे, एकदम शून्य से लास्ट तक हर प्रकार के प्रश्न इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इस प्रकार के सभी ऐसे संख्याओं का औसत निकालना, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो जो कि आपके एग्जाम्स में, कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आए हुए भी हैं, तो वो सभी प्रश्न हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। औसत का मतलब क्या होता है ये देख लो। औसत जो होता है संख्याओं का योग योग बटे संख्याओं की संख्या। सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, सिर्फ एक फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, और इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। इसी पर सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, एक फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, 4, 6, 8, 5, 7 ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होगा, का औसत बताओ, का औसत क्या होगा। इन संख्याओं का हमको औसत पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग कर दो, 4 धन 6 धन 8 धन 5 धन 7 इन सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं हैं, बटे 1 2 3 4 5 बटे संख्याओं की संख्या, ये इनका औसत निकल जाएगा। 6 4 10 10 8 18 18 5 23 23 7 30 बटे 5 बराबर 6 हमारा आंसर आ गया। इन सभी संख्याओं का औसत कितना आ गया, 6, ठीक। अब ऐसे ही अगर कोई और संख्या हो गए, कई सारी संख्याएं हो गई, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 व्यक्ति हैं या फिर 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति हैं जिनकी आयु है क्रमशः, एक की 15 वर्ष है, एक की 18 वर्ष है और एक की 21 वर्ष है, ठीक है। एक की 15 वर्ष, एक की 18 वर्ष, एक की 21 वर्ष, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु बराबर तीनों आंकड़ों को जोड़ दो, और कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 जोड़ो, 8 5 13 1 14 को 4 और 1 2 2 4 1 5 54/3 भाग दे दो, 3 1 3 3 3/24 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल हमारी औसत आयु हो गई। तो जितनी संख्याएं दी रहेंगी उनको जोड़कर और कितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे तो हमारा औसत पता चल जाएगा। यही औसत का बेसिक होता है। और अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर जो कि एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, 16 सही 2/5, 23 सही 3/7, 32 सही 3/5 तथा 15 सही 4/7 का औसत मान क्या होगा। इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, औसत बराबर 16 सही 2/5 धन 23 सही 3/7 धन 32 सही 3/5 धन 15 सही 4/7 1 2 3 4 चार बटे कुल कितनी संख्या है, बस हम लोग निकाल लेंगे। अब ये लग रहा होगा कि इतना कठिन कठिन है, इसको सॉल्व मत करो, देखो ये पूर्ण संख्या है। 16 सही 2/5 का क्या मतलब हुआ, 16 सही 2/5 का मतलब होता है 16 धन 2/5, ठीक है, सही का यही मतलब होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न से घबराने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जितने
पूर्ण संख्याएं हैं। 16, 23 को एक पास लेते आओ, 32 को अलग लेते आओ, 15 को भी इसी में लेते आओ, और जितने बटे में हैं उनको एक पास लेते आओ। 2/5 धन 3/7 धन 3/5 धन 4/7 बटे कुल कितनी संख्याएं थी? 1, 2, 3, 4 ही संख्याएं थी। ठीक है, तो हम 4 से ही भाग देंगे। अब देखो इन सबको जोड़ दो, 16 और 23 कितना हो गया? 39। ठीक, इसको 16 और 23 हो गया 39। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, 16, 23, 32, 15, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 6, 16, 16 को 6 हासिल 1, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 1, 7, 1, 8, 86। ये हो गया 86 प्लस 2/5 और 3/5 हो जाएगा 5/5, यानी कि 1, और 3/7, 4/7, 7/7 यानी कि 1, यानी कि ये हो गया 88/4=22। इस संख्या का औसत आ जाएगा 22, जो कि देखने में हो सकता है आपको डर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान था। ठीक है, ऐसी संख्याओं को ऐसे ही लगाएंगे। अब एक चीज़ और समझते हैं औसत में, समझने लायक एक चीज़ और है कि अगर बहुत सारी संख्याएं दी हुई, एक चीज और है उसको समझना जरूरी है। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या तो दिया हुआ है, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन एक फॉर्मूला इसके साथ और जानना है कि औसत में गुणे संख्याओं की संख्या अगर हम कर दें बराबर, ये क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से बना है। जैसे 2, 6, 5, 4, 3, ठीक है, 6, 2, 8, 8, 5, 13, 4, 17, 3, 20 और एक और संख्या ले लो, 1, 1, 1, 21, 6, 2, 8, 8, 5, 13, 4, 17, 3, 20, 1, 21। ये कुल इन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो क्या कर दो, 2 धन, 6 धन, 5 धन, 4 धन, 3 धन, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया कुल 21/6। ठीक है, और 21/6 इसका औसत कितना आ जाएगा? 6, 3, 18, 3.5। इसका औसत कितना आ गया? 3.5। ये औसत आया, ये क्या है? ये है हमारा औसत। और इस औसत में अगर हम संख्याओं की संख्या कितनी है? 6, यानी कि अगर हम 3.5 में 6 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? 6, 5, 30 को 0 हासिल 3, 6, 3, 18, 19, 20, 21, यानी कि 21। और ये क्या हो गया? सभी संख्याओं का योग हमको पता चल गया। तो औसत में संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे तो सभी संख्याओं का योग हमको पता चल जाता है, जो कि आगे के प्रश्नों में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। एक व्यक्ति के प्रथम 5 महीने का औसत खर्च 1200 तथा अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपये है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहले तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। यदि वह एक वर्ष में 2900 बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है? अब देखो एक साल में कितने रुपए बचा रहा है? 2900 रुपये। 2900 रुपये बचत। बचत क्या होती है? बचत होती है कुल कितना आय है और कुल कितना खर्च है। ठीक है, कुल कितनी आय है और कुल कितने खर्च है, उसी में से निकलती है बचत। 100 रुपये कमाए और इसमें से अगर हम
40 रुपए खर्च किए तो हमारी बचत कितनी हो जाएगी, 60 रुपए। ठीक, इसी पर ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पर ये हमारा क्वेश्चन लगेगा। एक व्यक्ति के प्रथम 5 महीने का औसत खर्च 1200 था, अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपए। अच्छा, आय का क्या हो जाएगा, आय क्या हो जाती है हमारी, आय हम अगर बचत जितना बचाए और जितना खर्च किए, जितना बचाए हैं और जितना खर्च किए हैं दोनों को जोड़ दें तो हमने कितना, मेरी सैलरी है या फिर आय है, इनकम है, ये पता चल जाएगी। इसी से हम लगाएंगे, एक व्यक्ति के प्रथम 5 महीने का औसत खर्च 1200 रुपए, तो देखो 5 महीने का औसत 1200 यानी कि लगभग हर महीने 1200 रुपए खर्च कर रहा है, तो 5 महीने में कितना करेगा, कुल 5 महीने और हर महीने 1200, ये 5 महीने का कुल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, 5 महीने का कुल खर्च निकल जाएगा, तथा अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपए, ये 5 महीने का हो गया, अगले 7 महीने का औसत खर्च, हर महीने वो कितना खर्च कर रहा है, 1300 रुपए, तो 7 महीने तक खर्च किया, कुल कितना खर्च किया, 7 × 1300 है। यदि वह एक वर्ष के में रुपए 2900 बचाता है, कितने बचा रहा है, इसके अलावा 2900 रुपए बचा भी रहा है, ये कुल खर्च हो गया और ये बचत हो गई, ये सभी को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी आय हो जाएगी, पूरे साल में उसने कितना कमाया, कुल आय, उसकी कुल आय हमको पता चल जाएगी। अब देखो 1200 × 5 यानी कि 6000 प्लस 7 × 13 = 9100 प्लस 2900, ये कुछ उसकी कुल 000 कुल आय 000 000 000 9 1 10 को 0 हासिल, 1 9 2 11 11 6 17 1 18 18000 रुपए उसकी कुल क्या है, आय है, साल भर में उसने 18000 रुपए कमाया। लेकिन ये पूछ रहा उसकी मासिक आय यानी कि मंथली इनकम यानी कि इसका औसत। अब ये बताओ कि एक साल में कितने महीने होते हैं, ये साल भर में कमाया, पूछ रहा कि पर महीने कितना कमाया, तो एक महीने 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड कर दो तो हर महीने का इसका आ जाएगा, 12 से डिवाइड करो, 12 × 1 = 12 × 12 = 25 = 60 1500 रुपए इसका मासिक आय है, यानी कि हर महीने वह 1500 रुपए क्या करता है, खर्च, सॉरी 1500 रुपए कमाता है, हर महीने 1500 रुपए कमाता है, और शुरू के 5 महीने 1200 खर्च किया और अगले 5 महीने 1300 रुपए खर्च किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ये इसकी औसत मासिक आय है, औसत मासिक आय कुल आय बटे कुल महीनों की संख्या, तो एक महीने का औसत पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 21 है, ठीक है, उसमें ई का मान क्या है, यह पूछ रहा है। देखो एक चीज जान लो कि अगर क्रमागत सम या विषम या किसी भी संख्या की हम अगर बात करते हैं, ठीक है, क्रमागत किसी भी संख्या की अगर हम बात करें, तो मान लो कुछ क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे 5 6 7 8 9, मान लो ये 5 क्रमागत संख्या है, तो इसका औसत पता है, इसका औसत ये बीच वाला आता है, 1 2 3 4 5 5 है ना, तो 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच वाला आ गया, यानी कि 5 × 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि तीसरा पद आ गया। जैसे अब यहां पर देखो, ये जो संख्याओं की संख्या है वह विषम है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन अगर यह सब संख्याओं की संख्या सम रहती 10 11 12 13, अब यहां एकदम बीचों बीच तो कोई है नहीं, बीच में इसके 2 मिल गए,
इन दोनों को जोड़ के दो से भाग दे दो, 11 धन 12 बटे 2, 11 धन 12 बटे 2 हमारा हो गया 23 बटे 2, यानी कि 11.5। ये समझने की चीज़ है, लेकिन अब इसमें जो है थोड़ा सा अलग है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं दी हुई हैं, यानी कि ये जो सारी संख्याएं क्या है, विषम है, का औसत 21 है, उनमें e का मान क्या है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, a b c d e सम हो या विषम हो, या फिर अगर इनकी संख्या विषम है, 1 2 3 4 5 है, तो ये वाला जो है हमारा औसत आएगा, ये वाला क्या आएगा, औसत आएगा, ठीक है, का औसत 21 है, ये औसत है तो ये 21 है, उसमें e का मान, अब ये 21 है तो ये क्रमागत विषम, ये 23 हो गई और ये 25 हो गई। क्रमागत विषम का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्रम से आए लेकिन सभी संख्याएं क्या हो, विषम हो, 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो अगर 21 के बाद क्या आएगा, 23, 23 के बाद 25, इधर वाले दोनों को क्या हो जाएंगे, 19 और इधर वाले 17, ठीक। और अगर संख्याओं की संख्या विषम है, जैसे ये 5 है, तो 5 में तीसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाता है। यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए बी सी डी ई तथा एफ में, ये ए बी सी डी ई एफ 2 2 4 2 6, ये बीच वाले दोनों बीच में आ जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से भाग दे देंगे ना, तो औसत पता चल जाएगा। का में ए का मान 8 है, ये क्या है, 8 है, तो उनका औसत क्या होगा, ये बीच वाले, देखो सी और डी का मान निकालो, 8 ये हो गया 10, क्या हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 14, तो 12 धन 14 बटे 2 यानी कि 26 बटे 2 यानी कि 13 हो गया औसत। ऐसी संख्याओं का औसत निकालना बहुत ही आसान होता है, सिर्फ हमको समझना है कि औसत कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगला है कि 32 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है, ठीक है, 32 विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज एज क्या है, 10 वर्ष है। शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो 32 विद्यार्थी हैं, 32 विद्यार्थी हैं थे, और इसमें अगर शिक्षक को भी जोड़ लिया जाए तो एक शिक्षक हो गए, कुल हो गए 33, कुल कितने हो गए 33। अब देखो 32 विद्यार्थियों का अगर औसत आयु थी कितने 10, यानी कि 32ों की उम्र को अगर जोड़ दिया जाए तो 32 × 10 यानी 320 हो जाएगा। यही तो हमने पढ़ा था कि सभी को जोड़ने पर अगर उसे डिवाइड करते हैं तो हमको औसत पता चलता है, और संख्याओं की संख्या और औसत का गुणा करने पर कुल योग पता चलता है, यानी सभी के उम्रों का योग क्या हो जाएगा, 32 × 10 = 320। एक शिक्षक की उम्र उसमें क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि हमारा जो औसत है वह 1 बढ़ जाता है, जो आयु है वह 1 बढ़ जाती है, यानी 33 का अगर 33 हो जाते हैं तो इनका औसत हो जाता है 11। अब इनको कुल जोड़ने पर कितना आ गया, 11 + 33 और 11 + 33 34 35 36, ठीक है। ये 32 विद्यार्थियों की आयु है और ये 32 विद्यार्थी प्लस टीचर की आयु है, तो अगर विद्यार्थी प्लस टीचर, स्टूडेंट प्लस टीचर में से अगर हम कुल विद्यार्थियों की संख्या को घटा दें तो टीचर की उम्र हमको पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, तो पता चल जाएगी टीचर की उम्र हो गई हमारी 43। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा, फिर से हम लोग इसको देखते हैं और इसको समझने के बाद आगे जो ऐसे प्रश्न आएंगे उसको हम लोग बहुत ही तेज पढ़ेंगे। जैसे 32 स्टूडेंट और इनकी एवरेज उम्र है 10 साल, इनकी औसत आयु 10 साल, तो इनकी सभी स्टूडेंट का योग कितना हो जाएगा, कुल योग इनकी उम्रों का हो जाएगा 320। एक टीचर जुड़ जाता है जब इसमें तो कुल हो गए 33,
और 33 लोगों के उम्र का योग कितना हो गया, उम्र का औसत एक वर्ष बढ़ जाता है, ये एक बढ़ जाता है, तो ये 11 हो गया। तो 11 से गुणा कर दो, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 36, ठीक है, 11 लोग का औसत ये हो गया। अब ये स्टूडेंट प्लस टीचर और ये सिर्फ स्टूडेंट, तो अगर स्टूडेंट प्लस टीचर की उम्र में से सिर्फ स्टूडेंट की उम्र हम क्या करें, घटा दें, तो किसकी उम्र बचेगी, सिर्फ टीचर की उम्र बचेगी, और टीचर की उम्र हो गई 43 इयर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। ऐसे ही सभी प्रश्नों को हम लोग लगाएंगे। 3 संख्याओं का औसत 145 है, सबसे बड़ी संख्या 180 है, शेष 2 संख्याओं का अंतर 15 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, देखो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हम लोग लगाएंगे। मान लो पहले तो तीनों संख्याओं का योग निकाल लो, 3 संख्या ए और बी और सी, 3 संख्याएं हैं कुल ए बी सी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या मान लो ये है सबसे बड़ी, और इसका मान कितना दिया हुआ, 180। अच्छा, दूसरी चीज दिया हुआ शेष 2 संख्याओं का अंतर, यानी कि बी माइनस सी दिया हुआ है, बी में से ये मान लो सबसे छोटी है, सबसे छोटी शेष 2 संख्या है, शेष 2 यह बची, शेष 2 संख्याओं का अंतर यानी कि बीच वाली में से सबसे छोटी को घटाएंगे तो इनका अंतर है 15। ठीक, ये हमको दो चीजें पता चल गई, ए बराबर 180 और बी माइनस सी बराबर 15। अच्छा, तीनों का योग जोड़ लो, ए बी और सी, इन तीनों का योग कितना आएगा। यदि 3 संख्या का औसत 145 है तो इसमें अगर 3 से गुणा कर दे तो तीनों संख्याओं का योग हमको पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5 तेई 15, 4 तेई 12, 1 13 और 3 एकम 3 1 4, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 435। अब यहां पर दिया हुआ है ए बराबर 180, ठीक, प्लस बी प्लस सी 435, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 जब इधर जाएगा तो 435 माइनस 180 और ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25। बी प्लस सी हमारा हो गया 255 और बी माइनस सी कितना हो गया, 15। अब अगर ये एक समीकरण है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो सी से सी कट गया, बी बी दो बी, 2b बराबर हो गया 270, 2b इक्वल टू 270, तो हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 270 बटे 2 बराबर 13 दूनी 26, 135, b हमारा हो गया 135। तो सवाल आगे क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या b बराबर 135 तो हमको पता चल गया, तो c बराबर सबसे छोटी संख्या c है, तो 135 में से अगर हम क्या घटा दे कि हमारा 15 जाए, तो c बराबर हो जाएगा 135 ऋण 15 बराबर 120, तो हमारा 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली संख्या हो गई 180, दूसरी संख्या हो गई हमारी 135 और तीसरी संख्या हो गई 120। तो उम्मीद है जो सबसे छोटी संख्या वह 120 हो जाएगी, तो उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, ठीक है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। मान लो इस 5 संख्या है ए बी सी डी ई, 5 संख्याएं हो गई, इनमें इनका औसत हो गया 65, यानी कि अगर इन सभी को हम जोड़ देते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारा जो है कुल योग हो जाता है 65 गुणे 5। इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो कुल योग हो गया 65 गुणे 5। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, यानी कि इन दोनों का औसत हो गया 81। इन दोनों का ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तब इन दोनों का औसत 81 है तो 81 गुणे 2 ए धन बी हो गया, यानी कि 162 हो गया ए धन बी,
अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, डी धनी बराबर 38 गुणे दो यानी 8 दूनी 16 तीन छः 7 टी धनी 76, इन दोनों को जोड़ने पर 76 आ गया, ठीक, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 162 आ गया। तो बचा सी, सी का मान हमको पता करना है, तीसरी संख्या क्या है। तो 162 धन सी धन 76 बराबर 5 25 25, 5 6 30 2 32, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो हमको हमारा उत्तर पता चल जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, सी धन 6 2 8 और 6 6 12 13 और 2, तो 37 बराबर 325, तो सी बराबर 325 ऋण 238, 15 7 ये हो गया, एक एक में से 8, हमारा आंसर हो गया सी बराबर 87। बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ए धन बी का एवरेज दिया हुआ था, ए बी का एवरेज, तो उस एवरेज में अगर हम दो से गुणा कर देंगे तो इन दोनों का योग पता चल जाएगा। अंतिम दो का एवरेज दिया हुआ था, उसमें दो से गुणा कर देंगे, क्योंकि दो का एवरेज तो दो से गुणा करेंगे तो इन दोनों का योग पता चल जाएगा। सी का नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे हम लोग इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लेंगे, तुरंत हमको उसका आंसर पता चल जाएगा। अगला है 13 संख्याओं का औसत 68 है, इसमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। अब देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जे के एल एम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। मैं यहां पर पूरा लिख रहा हूं, लेकिन जब आप लगाएंगे तो इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, इसमें दिया हुआ कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, इसमें प्रथम 7 संख्या यानी कि ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6 7 जी तक, इनका औसत अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो कितना जाएगा, इनका औसत जो है 63 है, यानी कि अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो 7 गुणे 63 हो जाएगा। औसत 63 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 7 गुणे 63, और जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें देखो जी 2 बार जुड़ गया, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7 गुणे 70 इनका योग हो जाएगा। सातवीं संख्या क्या है, अब इन सभी को जोड़ दो। यहां पर देखेंगे कि जी इसमें जुड़ चुका था, एक बार जी हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, एक बार जी इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया है, पहले इन सभी को जोड़ दो, ठीक है, सभी को जोड़ो, तो 7 3 21 और 6 7 42 44 प्लस 7 7 49 1 9 4 13 4 4 8 1 9 931 होता है, यानी कि ए से लेकर अगर एम तक हम जोड़ते हैं तो 931 होता है, और इसमें जी 2 बार है, जी कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है, क्योंकि इसमें हम जी फिर से एक बार जोड़ चुके थे, एक बार फिर से जी जोड़ दिया है। अब 13 संख्याओं का औसत 68 है, अब 13 संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, 13 संख्या को एक बार जोड़ते हैं तो ये 68 होता है, तो इन सभी का योग अकेले कितना है ये देख लो, 13 6 13 7 13 8 104 को 4 हासिल 10, 13 5 65 13 6 78 78 10 88 884, यानी इन सबको जोड़ने पर हमारा 884 आ रहा था, और जी को 2 बार जोड़ने पर 931 आ रहा था, यानी कि 931 में से अगर हम जो सातवीं संख्या हमको पता करनी है कि यानी कि जी, 931 में से 884 को अगर हम घटा दें तो ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7 और 12 में से 8 जाएगा 4, ठीक है, तो 47 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि सातवीं संख्या 47 है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे शॉर्टकट में लगाएं, इतना बड़ा तो लगाते ही रह जाएंगे। यहां पर देखने वाली बात है कि जी को हमने यानी सातवीं संख्या को 2 बार जोड़ा हुआ है, तो पहले इसका
सात गुणे 63 कर लो, शुरू के सात संख्याओं का योग प्लस अंतिम के सात संख्याओं का योग, 7 गुणे 70 हो गया। अब इसमें जो है सातवीं संख्या दो बार जोड़ी गई है, तो जब हम इसमें से इसके औसत को घटाएंगे तो सातवीं संख्या ही निकल कर आएगी, तो 13 गुणे 60, 13 संख्याओं का योग और इसमें 14 संख्याओं का योग, तो जो एक एक्स्ट्रा संख्या है वह सातवीं संख्या ही है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 47 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है जब एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, ठीक है, 28 छात्रों ने का जो औसत है 50 है, 8 विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर चले गए, इसमें शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई, ठीक है, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है। अब देखो 28 छात्र थे, कितने थे 28, 28 छात्रों के का औसत कितना था 50, निकाल लो कितना हो गया, 140 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, यानी 28 छात्रों के कुल प्राप्तांकों को हम क्या करेंगे, अगर जोड़ते हैं तो हमारा 1400 आ जाएगा, ठीक। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, ठीक है, 8 चले गए तो कुल कितने बचे हैं, -8, कुल कितने बचे हैं 20, इनमें शेष छात्रों के औसत प्राप्तांकों में 5 की वृद्धि हो जाती है, पहले 50 था अब 55 हो गया, कुल कितना हो गया, कुल कितना हो गया 1100, ठीक। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है, अच्छा 20 छात्रों ने मिलकर 1100 अंक प्राप्त किया, 28 छात्रों ने मिलकर 1400 अंक प्राप्त किए हैं। अब 1100 में से 1400 में से अगर हम 1100 घटा दें, यानी कि 8 छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए थे 300, 8 छात्रों ने मिलकर कितने अंक प्राप्त किए थे 300, तो उनका औसत निकाल दो, 300 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 8 पचे 40, 8 6 48 8 7 56.5, 37.5 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 2800 ने मिलकर कुल कितने अंक प्राप्त किए थे, 20 ने मिलकर कितने अंक प्राप्त किए हैं, जब घटाएंगे तो बाकी जो 8 बचे हुए थे जिन्होंने छोड़कर चले गए उनका ही तो अंक पता चलेगा, 8 ने मिलकर 300 अंक प्राप्त किए थे, तो एवरेज निकाल लो 8 का, 37.5 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, ठीक है, वैसा ही मिलता जुलता है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, यानी कि बॉय और गर्ल कुल, मान लो बी बॉयज हैं और जी गर्ल्स हैं, इन सबको जोड़कर और अगर हम 68 से गुणा कर दें तो ये सभी बच्चों का कुल योग आ जाएगा, जितने लड़के और लड़कियां हैं मिलकर इतने अंक प्राप्त किए, ठीक है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, कुल गर्ल्स ने मिलाकर इतने नंबर प्राप्त किए, ठीक है, और कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कुल लड़के मिलकर इतने अंक प्राप्त किए, मान लो 5 लड़के रहते, हर लड़के ने का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कुल लड़के मिलकर 300 प्राप्त करते, यानी बी गुणे 60, ठीक है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, अब एक बात बताओ, इन दोनों को अगर हम लड़के और लड़कियों का अंकों का योग अगर कर दें, इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, तो अगर हम 80G प्लस 60B बराबर 68 गुणे बी प्लस जी है ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 68B बराबर 68B प्लस 68G कर सकते हैं, ठीक।
अब थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, इधर ले जाना पड़ेगा 68 बॉय, और इस 60 बॉय को इधर लेते हैं, 60 बॉय, और इधर 80 जी गर्ल्स को एक तरफ लेकर चले आओ और बॉयज को एक तरफ, यानी कि ठीक है, ये हो गया हमारा 12 जी बराबर बराबर 12 जी बराबर 8 बी, 12 गर्ल्स बराबर 8 बॉयज, ठीक है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, यानी कि अगर हम रेशियो की बात करें तो 12/8, 8 को इधर लेते आओ, b/g, यानी कि अगर हम बॉयज और गर्ल्स के रेशियो की बात करें तो वह हो गया 12/8, यानी इसको हम 4 से काट लो, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 3/2, बॉयज और गर्ल्स बराबर 3/2, ठीक है। अगर 3 बॉय है तो 2 लड़कियां हैं, ठीक है, रेशियो आ गया। अब प्रतिशत में पूछा हुआ है, तो इसको प्रतिशत में आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब मैंने अनुपात पढ़ाया है तो अनुपात से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं वो देख सकते हैं वहाँ। वैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ कि देखो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या और उसमें कितने लड़के हैं, ठीक। अच्छा, अगर इसको मान लेते कि 3 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ, कुल विद्यार्थी कितने हो गए, पांच। अगर 3 लड़के मान ले, 2 लड़कियां मान ले, कुल विद्यार्थी 5, और 5 में कितने लड़के हैं, 3, 3 लड़के कुल विद्यार्थी, और प्रतिशत निकाल दो 100%, तो ये हो गया 20 बराबर 60%, 60% कुल लड़के, ठीक है। तो प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न को फिर से देखेंगे कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, 60% विद्यार्थी लड़के हैं, क्योंकि अगर 3 लड़के 2 लड़कियां, 5 में से 3 लड़के हैं तो 3/5, प्रतिशत निकालने का यही तरीका होता है, कुल में से कितने हम को आप पूछ रहा है, गुणे 100%, 60% हमारे विद्यार्थी क्या हो गए, लड़के हो गए, हमारा बी वाला आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। उम्मीद है कि अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वैसे जब मैं अनुपात, अगली वीडियो मेरी अनुपात की है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आप देख लेंगे तो आप अनुपात से प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर, ठीक है। यदि अगले 5 माह, यानी कि 7 और 5 = 12 माह की, पूरे 1 साल की बात की जा रही है, अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो, तो इस कार को पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। बहुत ही आसान है, 7 महीने का औसत दिया हुआ है, ठीक है। एक 12 महीने में 7 महीने का, देखो 7 महीने का औसत खपत, हर महीने लगभग 110 लीटर 7 महीने तक खाई, और अगले 5 महीने तक हर महीने कितनी खाई, 86 लीटर। तो पूरे साल, ये पूरे साल में 7 महीने इस रेट से खाई और 5 महीने इस रेट से खाई, 7 महीने में 707 लीटर खाई और अगले 5 महीने में 0 × 8 = 43, यानी 7 × 4 = 11, 1200 लीटर, 1200 लीटर तेल ये पूरे साल में खाई, 12 महीने में 1200 लीटर, तो एवरेज, एवरेज क्या हो गया, 1200/12, यानी कि 100 लीटर पर मंथ ये हर महीने पेट्रोल खर्च हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 12 से भी कर सकते थे कि 7 × 110, ये 7 महीने का, 5 × 86, ये 5 महीने का, और मासिक खर्च पूरे 12 महीने का पूछ रहा है, तो 1/12 ये करते तो हमारा 100 लीटर पर मंथ का हमारा मासिक खर्च, यानी कि पेट्रोल का पता चल जाता, मासिक खपत। अगला प्रश्न है, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रुपये है, इसमें से
सात अभियंताओं यानी कि इंजीनियर, सात इंजीनियर हैं, उनका औसत वेतन 12,000 रुपए है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपए है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब देखो सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपए। मान लो कुल कर्मचारी कितने हैं इसमें, एक्स, मान लो कुल एक्स कर्मचारी हैं और कुल एक्स कर्मचारी हैं और औसत वेतन है सबका 8,000, तो कुल कंपनी वेतन पर कितना खर्च कर रही होगी, एक्स गुणे 8,000, इतने रुपए ये क्या है कुल वेतन, कुल वेतन पर खर्च कर रही है सभी का, सभी का मिलाकर इतने रुपए हो गए। इसमें से सात अभियंताओं का औसत वेतन, जिसमें से सात इंजीनियर हैं और इनका औसत वेतन कितना है 12,000 है, तो सात इंजीनियर मिलकर कुल कितने रुपए ले ले रहे हैं, 84,000 रुपए तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। ठीक है, अब शेष कितने बचे, कुल थे एक्स, एक्स में से सात इंजीनियर हैं तो एक्स में से अगर सात को घटा दे तो ये शेष हो गए, तो एक्स माइनस सात, ये बाकी शेष कर्मचारी हैं, इनका औसत वेतन है 6,000, कितना हो गया 6,000 एक्स माइनस 6×7=42,000। ठीक, अब एक बात बताओ, ये इंजीनियर्स पा गए और ये बाकी सभी कर्मचारी, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये कुल वेतन के बराबर हो जाएगा कि नहीं, कंपनी जितना वेतन दे रही है। ठीक है, तो इससे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये इंजीनियर, ये बाकी कर्मचारी, तो इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा कुल वेतन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 6,000 एक्स माइनस 42,000 और प्लस ये और ये 84,000 बराबर कुल कितने के बराबर हो गया, 8,000 एक्स के। ठीक है, 8,000 एक्स के बराबर हो गया है, तो इस 6,000 को हम लोग उधर लेकर चले जाते हैं, यानी कि 8,000 एक्स माइनस 6,000 एक्स बराबर 84,000 में से 42,000 को घटा दो, यानी कि हमारा 2,000 एक्स, ये दो इधर ला देते हैं, 2,000 एक्स कितने के बराबर हो गया, 84,000 में से 42,000 घटा दिए तो 42,000 के, एक्स बराबर हो गया हमारा 42,000 बटे 2,000, ये कट कर हो जाएगा 2×2=21, यानी कि हमारे कुल कर्मचारी इसमें इंजीनियर भी हैं जिनकी संख्या एक्स माने थे वो हो गई 21, तो हमारा 21 आंसर सही आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न पढ़कर सभी कर्मचारियों की संख्या हमारी 21 आ जाएगी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। देखो यहाँ पर यह नहीं करना है कि 63 और 42 को हम जोड़कर 2 से भाग देंगे तो औसत चाल, ये हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये सवाल नहीं लगते हैं, औसत चाल का फार्मूला होता है कुछ और, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसमें दूरी तो दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यहां पर दूरी को मान लो क्योंकि दोनों में दूरी बराबर है तो दूरी को हम लोग मान सकते हैं। तो सवाल को लगाना अब हम लोग शुरू करते हैं। माना कुल दूरी x किलोमीटर थी तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है
दूरी बटे चाल, समय हो गया दूरी x बटे चाल है 63 किलोमीटर, घंटे इतने घंटे लग गए जाने में समय, और आने में कितना समय लगेगा, आने में कुल कितना समय लगेगा, कुल दूरी उतनी ही थी और किस स्पीड से आया 42 किलोमीटर पर आवर, इतने घंटे लगे, यानी कुल समय लगा इतना, कुल दूरी थी हमारी जाने में x, आने में x, ठीक है। तो हमारी औसत चाल क्या हो जाएगी, तो हमारी कुल दूरी कितनी हो गई, जाने में x और आने में x, और कुल समय कितना लगा, x बटे 63 प्लस x बटे 42, ये हमारी क्या हुई, कुल दूरी और बटे कुल समय, तो ये हमारा हो गया औसत चाल, औसत चाल, कुल दूरी x प्लस x और कुल समय जाने में इतना आने में इतना। अगर हम x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 धन 1, और यहां से x कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 बटे 63 और धन 1 बटे 42, x से x काट दो, औसत चाल हमारी इससे पता चल जाएगी, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 1 धन 1 बराबर 2, और नीचे हो जाएगा 1 बटे 63 धन 1 बटे 42, यानी कि ये हो जाएगा 42 प्लस 63 बटे 42 गुणे 63, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम एलसीएम वाले जो एलसीएम का ये भिन्न का जोड़ है उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 42 गुणे 63 बटे 42, और 63 को जब हम जोड़ देंगे 3 2 5, अब 21 से काट दो, 21 2 42, 21 3 63, 21 5 105, ठीक है, 5 से काट दो इसको 0.4, ये हो जाएगा 0.8, 0.4 × 2 = 8 × 63, 8 × 3 = 24 × 4 = 2, 8 × 6 = 48, 2 × 50, 50.4 किलोमीटर पर आवर। क्या हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन ये था 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से इसको समझते हैं, मान लो कुल दूरी जाने में एक तरफ से x थी, जाने में कितना समय लगेगा, क्योंकि जा रहा था x बटे 63, दूरी बटे चाल इतने घंटे लगेंगे, आने में दूरी तो उतनी ही थी जितना गया उतना ही आया, x बटे 42 घंटे, औसत चाल कुल दूरी का मतलब कि गया और आया, अब बटे कुल समय, ये एक समय था ये एक समय था, इनको जोड़ दिया, इसको जब जोड़ा तो ये भिन्न का जोड़ है, ठीक है, ऐसे लगाते हैं और इसको हल किया तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, ठीक है, 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई थी। अब देखो 50 संख्याएं थी और इनका औसत ज्ञात किया गया 36, तो इनका योग कितना हो गया, इनका योग हो गया 1800, ठीक है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 थी, ठीक है, एक संख्या जो कि 48 था उसकी जगह पर क्या लिखा गया था 23, यह सही संख्या थी और इसकी जगह पर 23 गलत हो गया, यानी कि इसमें गलत जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, गलत, यानी कि अगर हम गलत वाले को घटा दें और सही वाले को जोड़ दें, 23 इसमें जुड़ गया जबकि हमको 48 इसमें क्या करना था, जोड़ना था, तो अगर हम 23 को घटा के 48 जोड़ दें तो हमारा कुल योग पता चल जाएगा, और जब कुल योग पता चल जाएगा तो 50 से भाग देकर हम असली औसत पता कर लेंगे, तो 48 में से 23 को घटा दो, देखो कितना अंतर आ रहा है,
5, 2, कुल 25 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, यानी कि 25 इसमें कम जोड़ा गया था। तो अगर हम इसमें क्या करें कि 25 को ही जोड़ दें, ठीक है, 48 की जगह हमने 23 जोड़ा था, यानी 25 कम जोड़ा था, तो 25 को अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमारा 18, 25 कुल योग हो गया। ये सही वाला। और इसका हमको क्या करना है, शुद्ध औसत ज्ञात करना है। तो ये कितनी संख्याओं का योग है, 50, तो शुद्ध औसत कितना हो गया, 5 तिहाई 15, 3 5 6 30, 2 5 5 25, 36.5। 36.5 यानी कि 1825 में अगर हम 50 से भाग देंगे तो हमारा 36.5 आ जाएगा। 36.5 यहाँ पर हमारा आंसर दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि पूरे सप्ताह, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात दिन होते हैं। अब पूछ रहा है कि शुरू के 4, प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान था 40.2, 40.2 औसत था और 4 से गुणा कर देंगे, चारों का योग पता चल जाएगा। और इधर जो है औसत तापमान क्या था, 41.3 डिग्री, तो अगर हम 4 से गुणा कर दें तो इन चारों का योग पता चल जाएगा। और ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि चौथे को हमने दो बार जोड़ा है, तो एक बार चौथे का मान ज़्यादा आएगा। और इसमें से अगर हम घटा दें, पूरे सप्ताह, पूरा सप्ताह का तापमान कितना था, 40.6 डिग्री × 7। पूरे सप्ताह में जितने टेम्परेचर हुआ है सभी टेम्परेचर का योग इतना आ जाएगा। 4 दिन के टेम्परेचर का योग इतना आएगा, शुरू के अंतिम के 4 दिन का टेम्परेचर का योग इतना आएगा। उसमें से घटा देंगे क्योंकि चौथा दो बार है, तो हमको क्या पता चल जाएगा, असली चौथे दिन का टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो यहां से अब शुरू करते हैं। चलो, शुरू के 4 दिन का हो गया, चलो इसको फिर से शुरू करते हैं। शुरू के 4 दिन का हो गया, 4 × 8 और 0, 160 योग। और फिर बाकी अंतिम के 4 चाहते हैं, 12 4 × 4 = 5 और 4 × 4 = 16। माइनस जो 7 दिन का है, ये तो 8 दिन का हो गया। अब हमको 7 दिन का पता करना है योग, तो 7 दिन का, क्योंकि ये 4 4 दो बार है, तो पूरे सप्ताह का 40.6 × 7 ये हो गया हमारा 6 × 7 = 42, 7 × 6 = 28। किन दोनों को जोड़ दो, 160.8, 165.2, 0 6 6 6 12 13 3। और इसमें से इसको घटा दो, माइनस 284.2, ये हो गया 8.14, 41.8 हमारा चौथे दिन का तापमान, क्योंकि ये 8 दिन का है और हम 7 दिन का घटा दिए तो चौथे वाले को 2 दिन जोड़े थे, वही हमारा उत्तर आ जाएगा। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है, पिता को मान लो फादर और मदर, दो लोग हैं। कितने लोग हैं, दो लोग, इनकी औसत आयु 35 है। यानी कि फादर और मदर को का जो आयु है, फादर प्लस मदर की उम्र जो है 2 × 35, यानी कि दोनों की उम्र को जोड़ देते हैं तो 70 साल हो जाती है। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 है। 27, तो फादर प्लस मदर प्लस सन, यानी कि 3 हो गए, 3, और इनकी औसत आयु 27 है, तो 27 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो कुल हमको पता चल जाएगा कि तीनों का योग कितना है।
सत्र के 21 और 3 × 6 = 8, यानी कि मम्मी पापा और लड़के की उम्र 81 साल और सिर्फ मम्मी पापा की उम्र 70 साल, तो लड़के की उम्र अब फादर प्लस मदर प्लस सन इन तीनों की उम्र हो गई 81 साल, इसमें से फादर और मदर की उम्र हो गई कितनी 70 साल। तो इन दोनों को अगर हम इसमें से घटा देंगे तो हमको क्या पता चलेगा, सन की उम्र कितनी हो जाएगी 11 साल, सन की उम्र क्या हो जाएगी 11 वर्ष, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है। देखो ए बी सी तीनों की का उम्र को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, औसत है 20 तो तीनों का मिलाकर हो जाएगा 60। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, ए और बी यानी कि दोनों का मिला के इनकी औसत आयु है 19 वर्ष, इनकी औसत आयु है 19 वर्ष, तो इन दोनों का सिर्फ ए और बी का हो जाएगा 38 साल। तो सी की आयु कितनी है, ठीक है, इन तीनों का था 60, दो का है 38, तो सिर्फ सी की उम्र कितनी हो जाएगी 22 वर्ष, कितनी हो जाएगी 22 वर्ष। बहुत ही आसान प्रश्न। अगला है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, ठीक है, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का एक बच्चा है। अब देखो शादी के समय, अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है शादी के समय, ये हो गए हस्बैंड और ये हो गई वाइफ, इन दोनों की औसत आयु, हस्बैंड वाइफ की औसत आयु कितनी थी 23 साल, ठीक है, तो बराबर 2 × 23, कुल कितनी उम्र हो जाएगी, दोनों औसत थी 23 तो दोनों का मिला के हो जाएगा 46, ठीक है। अब 5 साल के बाद की बात करते हैं, 5 साल ये भी बढ़ गया, 5 साल ये भी बढ़ गया, यानी दोनों मिलाकर कुल कितने साल बढ़ गए 10 साल, कितने साल बढ़ गए 10 साल, कुल हो गए 56, ठीक है, ये दोनों मिलाकर अब हो गए 56 साल के, और उनके पास अब 1 वर्ष का बच्चा भी है, ठीक है। अच्छा, अब सारे परिवार की औसत, तो इसमें बच्चे की उम्र भी जोड़ेंगे, तो 1 साल का बच्चा यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन तीनों का की उम्र जोड़ने पर कितनी आ गई 57 इस समय, तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो 57 कुल हो गया, तो 3 से भाग दे देंगे तो 19 हमारी एवरेज एज हो गई, 19 वर्ष हमारी औसत आयु आ गई, 19 वर्ष हमारा सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी एवरेज के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा काम करेगा जब हम लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के, ग्राफ और ये सारी चीज़ें, तो एवरेज से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछता है, और इसके अलावा एक प्रश्न और भी आएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी वीडियोज़ को इस चैनल पर हैं उसको देखें, और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू, टाटा बाय बाय।